हेलो फ्रेंड्स, आज हमने देखे ये गुड़ से गुड़ वाली टिकियाँ बनाई हैं। आप इन्हें गुड़ के मालपुए भी कह सकते हैं और बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही इजी तरीके से हमने इनको बनाया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये। और देखें, हमने गुड़ जो बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है ना ठंड में, उससे बनाया है। आइए आपको बताते हैं और हमने इसे कैसे बनाना है। हमने एक बोल भरकर आटा लिया है और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर डाला है। 2 इलायचियाँ इस तरह से खोलकर डाल दी हैं और ये गुड़ जो हम डाल रहे हैं ये हमने मेल्ट कर लिया था थोड़े से पानी में। और हमने अभी थोड़ा सा गुड़ का जो सिरप है ना वो रोक लिया है। पहले हम देखेंगे हमें किस तरह से इसको कितना सॉफ्ट डो बनाना है, तभी ऐड करेंगे। देखें, थोड़ा सा हमने और डाल दिया है क्योंकि हम इसमें गुड़ अपनी मिठास के अकॉर्डिंग डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना गुड़ हमें चाहिए, जितना मीठा हमें खाना है। और बाकी की जो हम कंसिस्टेंसी है ना वो दूध ऐड करने के बाद इसको मेंटेन करेंगे। तो हम इसमें लगभग 1/2 कप के करीब दूध डाल चुके हैं और अभी भी ये गाढ़ा है काफ़ी, तो हम इसमें अभी और दूध ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा इसमें डेसिकेटेड नारियल डाल दिया और अब देखें, अच्छा तेज़ गर्म दूध डाला है मैंने इसमें। ये ना ठंडा है ना रूम टेम्परेचर पर है, बल्कि अच्छा गर्म दूध है ये, और बिल्कुल बॉइल्ड नहीं है लेकिन हाँ तेज़ गर्म दूध डाल रहे हैं। और देखें, ये हम आटे से आज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आटे से और गुड़ से जो फ़ायदे हैं ना वो मैदे से बिल्कुल भी नहीं है। तो देखें, हम बराबर इसमें थोड़ा थोड़ा कर दूध डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी बीटिंग कर लेंगे इस तरह से। और ये देखें, अब कुछ इस तरह का बैटर बन गया है। हम आपको चम्मच की हेल्प से दिखाते हैं, ये अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है। हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे, ये टोटल 1 कप के करीब दूध इसमें ऐड कर दिया हमने और खूब अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम नॉन स्टिक पर इसे बनाएंगे। इसमें मैंने बीच में 2 से 4 पिंच के करीब खाने वाला सोडा भी डाला था, जब आपको आटा दिखाया था ना उसमें डाल रखा था मैंने। और थोड़ा सा अभी गाढ़ा लगा तो मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा और, ये देखें। इस तरह से हमें गुड़ की टिकियां, पूरियां या गुलगुले जिन्हें कहते हैं वो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। और देखें, अब बहुत ही अच्छा स्मूथ बैटर बन गया है ये। इस तरह से देखिए, चेक कीजिए कि जब आप गिराएं तो फौरन इस तरह से रिबन से बन जाएं इसमें। और अब हम हाई फ्लेम पर एक नॉन स्टिक रख देंगे और उसमें हम थोड़ा थोड़ा कर इस तरह से चम्मच की हेल्प से बैटर डालेंगे और थोड़ा सा उसे राउंड कर देंगे बीच में से चलाते हुए बाहर तक। जितने साइज़ के आपको बनाना है आप बना सकते हैं। इसी तरह से थोड़ी सी दूरी पर हम दूसरा बना लेंगे और ये इस टाइम हाई फ्लेम पर हैं और हम जैसे ही हल्के से सेट हो जाएंगे ना तो अब हम ये आप देख रहे होंगे बराबर वाली कढ़ाई में डालेंगे इसको। ये तेल गर्म हो गया है अच्छा कढ़ाई में, इसमें हम फ्राई करेंगे। ये इस तरह से
कर रहे हैं हम नॉन स्टिक पर, पहले कि बिल्कुल राउंड शेप में हो जाएं और सेट हो जाएं अच्छे से। ये देखें अब हम इन्हें उठाकर स्पैचुला की हेल्प से, ये देखें हल्के हल्के उठाएंगे हम, हल्का सा प्रेशर देते हुए। ये देखिए आसानी से उड़ गया, और इसे भी हम तेल में डाल देंगे अच्छे तेज़ गर्म तेल में। और ये देखें कितने अच्छे राउंड बन गए। डीप फ्राई अगर हम इन्हें डायरेक्ट करते तो इतने अच्छे शेप में नहीं बन पाते ये, क्योंकि इतनी अच्छी सी शेप जो अब बन गई इस तरह से नहीं बन पाती। और ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, और जाड़ों में बहुत ही मज़े के लगते हैं ये, सभी को चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। गुड़ के और आटे के जो फ़ायदे हैं वो भी आपको इस तरह से मिल जाएंगे। और देखें कितना अच्छा कलर आ गया है, थोड़ा सा हम इन्हें प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से सिक जाएं। और आप थोड़े से मोटे यानी थिक बनाना चाहें, थिक भी बना सकते हैं। जहाँ नॉन स्टिक पर मैंने जिस तरह से बैटर डाला था ना, आप थोड़ा मोटा बैटर भी चाहें डाल सकते हैं। मुझे जितने चाहिए थे पतले, मैंने उतने पतले उसको फैलाए हैं नॉन स्टिक पर। तो ये एक बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका है कि आप बजाए तेल में वो उस तरह ना फैला सकें तो पहले नॉन स्टिक पर फैला दें, उसके बाद उठाकर तेल में डिप कर दें। लेकिन बहुत अच्छे बन गए ये, और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बस हमें इतना ही कलर चाहिए इस तरह से। और देखिए आप कितने फ्लफी से बने हैं, देखिए बहुत ही सॉफ्ट, गर्मा गर्म तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये खाने में। देखिए तो कितने अच्छी सी इनके अंदर ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये होल्स हो गए। इसका मतलब यही है कि ये बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छी तरह से इनका बैटर बना है। इसी तरह से देखिए हम दूसरा राउंड भी बना लेंगे, और उन्हें भी इसी तरह उठाकर हम तेल में डाल देंगे। बस थोड़ा सा हमें हाई फ्लेम पर बस सेट हो जाने तक ही इन्हें नॉन स्टिक पर डालना है। आप किसी भी साइड से तेल में डाल दें, चाहें तो बिना सीकी साइड जो है उधर से भी आप तेल में डायरेक्ट डाल सकते हैं। देखें इतना अच्छा कलर आ गया है गुड़ की वजह से इनके ऊपर। और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और सुबह की चाय के साथ भी खा सकते हैं। और यकीन मानिए इसमें टाइम इतना सेव हो जाएगा आपका, इस तरह से बनाकर जैसे एक डोसा फैलाते हैं ना, हमने इसी तरह से फैलाना है। ये देखें और गोल किसी कटोरी से फैला दें, मैंने चम्मच की हेल्प से फैलाया है। ये जो नीचे का राउंड वाला चम्मच होता है ना बड़ा, उससे सेंटर से लेकर बाहर तक इसे इस तरह से फैला देना है। ये वाला राउंड भी हमारा देखें, ये वाला बैच भी खूब अच्छे से सिक गया है। इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा सा प्रेस करते हुए अलट पलट कर देंगे, खूब अच्छे सिक गए। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर रखा है, क्योंकि हाई फ्लेम पर जल जाएंगे और अच्छे से सिकेंगे भी नहीं अंदर तक, तो इसलिए हमने थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेका है इसको। और इन्हें भी हम निकाल लेंगे, खूब अच्छे तल गए ये, रेडी हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। स्पेशली जाड़ों में जब नया नया गुड़ आता है ना, तो गुड़ के लोग गुलगुले बनाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, टिकियाँ बनाते हैं। तो मैंने सबका एक ही सॉल्यूशन किया है, यही गुलगुले और पूरियों की फॉर्म में बना लिया इनको। टिकियां कह लीजिए आप, तलने के बाद ये टिकियां भी कहलाई जा सकती हैं। और बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और चैनल पर अगर नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो अभी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं आपके ये गुड़ वाले गुलगुले और टिकियां कैसी बनी। बहुत अच्छी सॉफ्ट हैं ये। ये हमने सारे ही एक बार में डाल दिए और अब हम इनको निकाल लेंगे। ये कलर देखें कितना अच्छा आ गया इनका। अगर हम शक्कर के बनाते तो इतना अच्छा कलर भी नहीं आता इन पर। देखें बिल्कुल रेडी हैं। हमने थोड़ा सा इनके ऊपर पिस्ता काट कर डाल दिया है जिससे ये और अच्छे लग रहे हैं और अच्छा ब्राउन कलर आ गया इन पर। बहुत टेस्टी बने हैं और सॉफ्ट हैं। जो हमने मिल्क पाउडर डाला है ना 2 टेबल स्पून के करीब, उनसे और अच्छे टेस्ट में बन गए ये। ओके, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।